द स्टैलर न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, तो मैं हाँ तुहाडे नाल श्वेता राणा। दर्शकों, साडा अज का एपीसोड मेनली उन्होंने स्टूडेंट्स वास्ते है जो अपने भविख में लैके असमंजस में ने, स्पेशली उन्होंने स्टूडेंट्स वास्ते जिन्होंने अपनी फाइल कैनेडा लिए अपलाई की, और कैनेडा के मॉन्ट्रियल जिन्होंने स्टडी वीजा लिए अपनी फाइल अपलाई की हुई है, तो उन्होंने केसिस हजे भी पेंडिंग ने। तो इस संबंध में अज असी जानकारी लैन HM इंटरनेशनल मौजूद ने, तो साडे नाल उत्थे दे MD हरजीत सिंह मठारू जी मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात करदे हां। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा स्टैलर। सत श्री अकाल जी। सर, पहले तो मैं तुहाडे कोलों जानना चाहवांगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इस टाइम दुविधा है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर या कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं उन्होंने तक पहुँच रही है, या लॉकडाउन करके कितने जा नहीं पा रहे हैं। सर, स्टेटस की है इस क्यूबिक का जो चल रहा है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट स्टडी वीजा लिए उत्थे अपलाई कर रहे हैं। बहुत वधिया यह मौके का सवाल है जी, और इस वेले जिन्ना भी पंजाब का स्टूडेंट हैगा मैक्सीमम मॉन्ट्रियल नू जा रहा सी, उन्होंने मन के बड़ा असमंजस है, क्योंकि मॉन्ट्रियल के कुछ कॉलेज दियाँ फाइल जिहड़ियां पिछले एक साल तो पेंडिंग ने, तो ये उन्होंने सारे बच्चों वास्ते बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि लॉकडाउन करके अंबैसियां बंद सगियां, कोई भी जिन्ना भी स्टाफ सगा कौंसलेट का सारा अपने अपने घरों तो काम करता सी और पार्ट टाइम काम करते, जिदे करके सारियां फाइलों डिले सगा। तो ये उन्होंने सारे बच्चों वास्ते हम बड़ी खुशी की गल है कि पिछले हफ्ते ही जेडे उत्थे मॉन्ट्रियल के कॉलेज है, स्पैशली CDI कॉलेज जो है उत्थे दी गवर्नमेंट हैगी है, क्यूबेक गवर्नमेंट और इमीग्रेशन डिपार्टमेंट आ, उन्होंने नाल एक एग्रीमेंट होया और उस उन्होंने क्लीयर कर दिता कि जिहड़ियां अगला नैक्सट जो इनटेक आ रहा सैप्टेंबर, मतलब कैनेडा में जोड़े आ 3 इनटेक होंगे आ मई सैप्टेंबर तो जनवरी, तो आने लॉकडाउन करके मई तो जाना नहीं, जो सैप्टेंबर इनटेक के जिन्ने भी पिछले भी बैकलॉग है उन्होंने प्रोमिस किया कि 6 अगस्त तो पहल उन्होंने सारे ही जड़े आ क्लीयर कर देने, तो हौली हौली जिन्ने भी पुराने डिसीजन है वो सारे ही आ जाने। हाँ, मार्केट के जरूर कुछ एक साढ़े जोड़े कंसल्टेंट भाईबंद है, वो बच्चों को कुछ गुमराह करते थे कि तुम कॉलेज चेंज कर लो या कुछ और चेंज कर लो, पहले तो फीस वापस मंगा लो, इदा का कुछ भी करने की लड़ नहीं है, और पूरी आस है सानू कि इस महीने के जो बैकलॉग है वो काफ़ी हद तक क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी। सर, जिस तरह हमने तुम जिक्र किया कि सैप्टेंबर इनटेक आ रहा है, यह तो पेंडिंग केसिस गल की कि वह सैप्टेंबर तक जो हल हो जाएंगे, तो जेकर किसी ने अपलाई करना न्यू फाइल लगानी है वो सैप्टेंबर इनटेक लगा सकता, की प्रोसीजर है उस चीज़ का? हाँ जी, वह भी लगा सकता, जिहड़ियां इस वेले लास्ट वीक 7 दिन हो गए, लास्ट वीक कनेडियन इमीग्रेशन ने एक अपडेट दिता सीगा कि जिहड़ियां सैप्टेंबर दियां फाइल्स हैगियां उन्हां नूं 15 मई तो पहलां अपलोड कर दिओ, पिछले 2 साल तो जिन्नियां भी फाइल्स हैगियां फिजिकल नहीं लगदियां, ऑनलाइन ही लगदियां, तो उन्होंने दसा कि 15 मई तो पहलां अगर सारिया फाइल जिहड़ियां अपलोड हो जाएगियां तो उन्होंने डिसीजन जिहड़ा आ 6 अगस्त तो पहलां सारिया फाइल्स का इमीग्रेशन डिपार्टमेंट कहिंदा कि असीं कर देंगे, तो उहदे विच भी उन्होंने एक होर रिलैक्सेशन दित्ती आ, स्पैशली जिहड़ा मॉन्ट्रियल आ उहदे विच सानू एक अडिशनल लैटर लेना पैंदा, CAQ जिहनूं कहिंदे आ असीं, सर्टिफिकेट ऑफ असैप्टेंस क्यूबैक, वह लैटर नूं आउण नूं टाइम लगता, उहदे वास्ते भी लास्ट वीक एक लेटैसट होर अपडेट इमीग्रेशन डिपार्टमेंट का आया सीगा कि जिहड़े बच्चों का CAQ नहीं आया वह भी बाकी सारी फाइल जिहड़ी आ 15 मई तो पहलां अपलोड कर देण, तो उन्होंने जोड़ा प्रोसैस हैगा वो पहलियां फाइलों के नाल ही स्टार्ट हो जाएगा, और जदों CAQ आ गया उन्होंने बाद वैब पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, तो 6 अगस्त तो पहलां उन्होंने सारे के डिसीजन आ जाने, और वह बच्चे जोड़े आ हूँ भी सैप्टेंबर जोड़ा आ रहा वो बहर जा सकते और अपना जोड़ा सुपना पूरा कर सकते विदेश में पढ़न का। सर, जिस तरह फाइल ओके हो जाती है उस तो बाद बायोमैट्रिकली जाना पैंदा है, तो हुण उह किस तरह एडजस्ट करनगे लॉकडाउन विच? ये बहुत वधिया एक सवाल हैगा जी, और एक नवी चीज़ आई है, क्योंकि लॉकडाउन होने करके सारिया वास्ते ये नवी गल सी कि अगर इदा की कोई चीज़ होंगी है तो आप किदा करांगे अगर टाइम लंघ गया, क्योंकि जो फाइल सबमिट हो जाती उस तो बाद 2 प्रोसीजर होंगे आ, एक तो बच्चों के बायोमैट्रिक रिक्वेस्ट लैटर आँदी है BIL जिन्हों कहने असी, उदा ही टाइम लिमिट होंगी कि उन्ने दिनों के अंदर अंदर आपने बायोमैट्रिक की अपॉइंटमेंट लैके वो करवाने होंगे, तो उस तो बाद जो फाइल अपरूव हो जाती है तो फिर PPR रिक्वेस्ट जिन्होंने असं बोलते हैं पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है कि तुम ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो अंबैसी जमा करा दो, वास्ते 30 दिन का टाइम होंगे। लॉकडाउन करके ये जी सर्विस सी अगे असं VFS सेंटर पासपोर्ट जमा कराते, हूँ 2-way कोरियर सर्विस चलती है, जो ब्लू डाटा वो VFS के नाल रल के साडे कोलों डायरैक्ट ऑफिस के कोलों या स्टूडेंट्स के घरों जिथे कोरियर सर्विस अवेलेबल आ, पिंडां च नहीं है, जिहड़े शहरां वाले स्टूडेंट उत्थों ले लैंदे आ, 2-way कोरियर सर्विसिज पे करते हैं, वो घरों बच्चे दे या साडे ऑफिस तो पासपोर्ट ले जाते हैं, अंबैसी जाता वीज़ा स्टैंप होकर वापस साडे कोल आ जाता, पर हुण लॉकडाउन जिदा पिछली 22 तरीक का लॉकडाउन लगा आ, तो जिन्हां दीआं 22 23 24 नूं रिक्वेस्ट आ गईआं उन्हां लई 30 दिन का टाइम आ, वो परसों ही
एमबैसी ने और VFS ने अपडेट कर दिता कि उसके वास्ते भी घबराने की लोड़ नहीं। अगर जिहड़ी BIL जिन्हों बायोमैट्रिक इंस्ट्रक्शन लैटर कहने हैं और PPR रिक्वेस्ट इन्हों की 30-30 दिन की वैलिडिटी अगर ये लैटर एक्सपायर हो भी जांदियां टाइम जिहड़ा हैगा इन्हों का लंघ जांदा तां भी घबराने की लोड़ नहीं। VFS जिहड़ा है वो ऑटोमैटिकली तुहानी अपॉइंटमेंट क्रिएट कर देगा जदों VFS लॉकडाउन तो बाद खुल गए तुहाडे बायोमैट्रिक भी हो जाएंगे उहदे वास्ते अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाएगी तो पासपोर्ट भी कलैक्ट हो जाएगा उहदे वास्ते भी घबराने की लोड़ नहीं भी 30 दिन खत्म हो गए तो फिर साडा किते दुबारा नहीं प्रोसैस करना पैंदा जां कुछ होर। यह बड़ा वड्डा एक रिलीफ बच्चों नूं मिलिया जिन्हां दे वीज़ा अप्रूव हो चुके सीगे उन्हां वास्ते बड़ी वड्डी टेंशन सी है भी जे 30 दिन लंघ गए तो कितें सानूं दुबारा नवें सिरों एम्बैसी दे विच इह जिहड़ा प्रोसीजर ना पाउणा पवे। सो उन्हां नूं किसी भी तरह की घबराने की लोड़ नहीं है। VFS ने अपने आप ही ये जड़ा आ टाइम अगे जो लॉकडाउन खुल जाता है उन्होंने पासपोर्ट कलैक्ट करने हैं तो वीज़ा स्टैंप होकर बच्चों मिल जाने। सर उम्मीद करते हैं कि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लीयर हुए होंगे बट कुछ जो दर्शक आ हजे भी टेंशन विच ने तो उन्होंने तुम एट लास्ट की मैसेज कन्वे करना चाहोगे? मैसेज यही है जी भी बी पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहो तो वधिया सोच दे नाल तुसीं उड़ीक करो। कनेडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनकलूडिंग इंडिया सारिआं दे स्टडी दे फ्यूचर नूं लैके बहुत चिंतित आ। कैनेडा सरकार चिंतित आ, कैनेडा दे कॉलेज चिंतित ने, इस करके घबराने की लोड़ नहीं। जिद्दां ही ये कोरोना की बीमारी का हल निकलता तो सारिआं दे जिहड़े डिसीजन आ उह बहुत वधिया और पॉजिटिव होणगे। बच्चे जिन्हें भी हैगे इंडिया तो जाने वाले मैक्सीम इंडिया के बच्चे है इंडिया चाइना पाकिस्तान सारे ही जाते हैं पर आप स्पैशली इंडिया की गल करते हैं तो सारा का फ्यूचर जोड़ा कैनेडा के बहुत सेफ रहेगा। घबराने की लड़ नहीं, जिदी लॉकडाउन खत्म हो गया सारा प्रोसैस जो स्ट्रीमलाइन के आ जाएगा। द स्टैलिन न्यूज़ के लिए श्वेता राणा के नाल कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट। We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to affect positive change around them.